हाय गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है फिट ट्रेंड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार ऐसी एक्सरसाइज जो आपके बाइसेप्स पीक हिट करने में आपकी हेल्प करती हैं। देख रहे हैं, हम जब फ्लेक्स करते हैं मसल्स, जो ये राउंडनेस निकल के आती है आपकी, इसको कहते हैं आपके बाइसेप्स पीक। तो देखते रहिए वीडियो, आई विल बी राइट बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो बाइसेप्स ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको ज़्यादा वेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप कम वेट से भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो हैवी वेट लगा लेते हैं और उनका मोमेंटम ठीक नहीं होता, वो क्या करते हैं कि अपनी शोल्डर और बैक की हेल्प से उसको वेट को उठाते हैं। सो जब आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको माइंड एंड मसल कनेक्शन होना ज़रूरी है, आपको मोमेंटम ठीक रखना है उसको करते हुए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। पहली हमारी एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स डंबल कर्ल। डंबल को ऊपर लिफ्ट करते वक्त आपके जो पिंकी फिंगर होती है उस साइड से आप जो रिस्ट है उसको हल्का सा आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको ट्विस्ट करना है। ऐसा करने से बाइसेप्स में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इसको और चैलेंजिंग बनाने के लिए आप दोनों हाथों से एक साथ डंबल को लिफ्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे चेस्ट के सेंटर में मैं डंबल को लेके आ रहा हूँ और हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूँ आपको डायरेक्शन में। इसके आप चार सेट लगा सकते हैं, 12 टू 15 रैप। सेकंड एक्सरसाइज होगी डंबल प्लेट कर्ल। इसमें जो आपकी पाम की डायरेक्शन होगी वो आपके फ्लोर के पैरेलल रहेगी और ऊपर लाते वक्त फुल कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को एंड स्लोली स्लोली नीचे लाते वक्त रिलीज करना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे मैं नीचे लाते वक्त पूरा नीचे नहीं लेके आ रहा, आपको 70-80% तक ही नीचे लेके आना है। ऐसा करने से आपके जो बाइसेप्स में मैक्सिमम टेंशन पूरे टाइम बना रहेगा। इसके भी आप चार सेट लगा सकते हैं, 12 टू 15 रैप। थर्ड एक्सरसाइज है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। टेबल या आप स्टूल कुछ ले सकते हैं और जो आप का ट्राइसेप्स का मिड सेक्शन होगा वो आपके इनर थाइस के सपोर्ट में रखना है। आपकी एल्बो को आपके थाइस के ऊपर नहीं रखना है। ऐसा करने से आप डंबल लिफ्ट करते टाइम आपका एल्बो का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपको पूरा टेंशन बाइसेप्स में बना के रखना है। स्लो एंड स्टडी मोशन रखना है, मोमेंटम आपका पूरा अच्छी तरीके से बना के रखना है। अब सेकेंड हैंड से करेंगे, इसके भी आप चार सेट लगा सकते हैं, 12 टू 15 रैप। ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स पीक हिट करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये लगाते वक्त आपको मसल एंड माइंड कनेक्शन होना ज़रूरी है। फोर्थ एक्सरसाइज होगी हैमर कर्ल। इसमें आप अपनी एल्बो को फिक्स रखेंगे और अपनी वेस्ट के साइड में ना रख के हल्का सा आगे की तरफ रखेंगे। ऊपर लाते वक्त पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल को एंड स्लोली स्लोली नीचे लेके आएंगे। एल्बो को आगे रखने से आपका क्या होगा, जब आप लिफ्ट करते हैं तो आपको शोल्डर का सपोर्ट नहीं मिलेगा और जो टेंशन है वो पूरा आपके बाइसेप्स में बना रहेगा। इसके आप चार सेट लगा सकते हैं, 12 टू 15 रैप। ये चार एक्सरसाइज जो आप बाइसेप्स के वर्कआउट में अगर इन्वॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूर उसमें रिजल्ट दिखेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर और फिट रहिए।